हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में है ना। और आज हम लोग आए अपने फिर से बढ़ गए क्या? क्या बोला? यहाँ पे नॉर्मली एक में बता दू, 7 से 8 मेंबर छुप सकते हैं काफी कंफर्टेबल। उसमें आवाज बहुत गूंज रहा है। हाँ, आप लोगों के फोन में अगर अच्छे आते हो तो हमारे रील्स निकाल लेना ना, बहुत सारे डालने के लिए। ठीक है, फिर से ठीक है स्टार्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नाम। और आज हम लोग आए हैं अपने मखमलाबाद, सही ना? क्या था? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में नाम। और आज हम लोग आए हैं अपने फिर से बुढ़ गए क्या? क्या बोला? मैं मखमलाबाद ही, अमृतधाम, अमृतधाम। 2000 years later. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस्ट किचनेट में अनम। और आज हम लोग आए अपने अमृत धाम नासिक साइड पर, जहां पर 3 BHK बंगलों को आज हमने फुल फर्निश किया है। इससे पहले कि प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट हो जाए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन के बेल आइकन कॉल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिले। राइट नाउ ये जो हमारा पूरा 3 BHK है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले हमने 3D प्लान डिसाइड किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे डाउट्स एंड क्लेरिफिकेशन क्लियर्स हुए थे। बिकॉज अगर आप किसी 2 रो हाउस को मर्ज करके एक नया कंस्ट्रक्शन क्रिएट करते हो, तो बहुत सारी जगह पे आपको सम लाइक खटकी होती है, पिलर्स होते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, और उसको आप फर्नीचर में किस तरह से हाइड करें, जिस तरह से आपके एक्चुअल बंगलो को एक अलग तरीके का लुक आ जाए, वो सारी चीज़ें आज हम इस सारी प्रोजेक्ट में देखने वाले हैं। तो राइट ना अभी हम लिविंग में हैं, यहाँ से ऊपर की तरफ जाहिर की हमारा सेकंड फ्लोर स्टार्ट हो जाता है, सामने की तरफ किचन स्टार्ट होता है, और उसी के बैक साइड पे पूरा यूटिलिटी एरिया है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और मुझे काफ़ी अच्छा पसंद आया कि अगर हम डेली रूटीन में हमारे वॉशिंग मशीन, बहुत सारी चीज़ें हैं, काफ़ी अच्छी तरीके से हम वहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा पूरा स्टेयरकेस एरिया था, लगभग डीप में 3.5 फीट के करीब ये पूरा एरिया था। तो हमने इसे इस तरह से कवर अप किया है, पूरा टी यूनिट क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से बैक साइड का स्टेयरकेस एरिया पूरा हाइड हो गया, दोनों साइड से लोअर ऑर्गेनाइज कर दिया, बीच में एक ट्रैक लाइट ऑर्गेनाइज हो गई ताकि ऊपर और नीचे की लोअर्स पे लाइट्स पड़े, यहाँ पे ओपन नीजेस दे दी, उसके अंदर स्पॉटलाइट, जो भी आपके आर्टिफैक्ट्स रहेंगे सब अच्छे से हाईलाइट हो गए, और टीवी का एक्चुअल गेटअप जो रहता है ना, वो 36 mm का जब आप ब्रॉड पैनलिंग करते हो ना, तब एक्चुअली उसका लुक आता है। अगर आप इतने बड़े टी यूनिट में जैसे 18 mm की चीज़ें ऑर्गेनाइज करोगे, तो ऑब्वियसली वो लुक नहीं आता, एकदम पतले पतले प्लाई नजर आते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की ब्रॉडनेस आती है, तो लुक कुछ अलग हो जाता है। सेम टीवी का हमने पहले साइज डिसाइड किया, देन उसके बाद हमने टीवी पैनल ऑर्गेनाइज कर दिया। ऊपर की तरफ हमने 2 ओपन शेल्फ्स दे दिए, जस्ट डिजाइन एंड लुक एंड गेटअप के लिए। बैक साइड पे हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट हमारा मार्बल है, ये मार्बल शीट का पूरा लैमिनेट है, इसके अंदर हल्के हल्के स्पार्कल्स है, और ये स्क्रैच प्रूफ है और बहुत ज़्यादा हाई ग्लोसी है। जब इसके लाइट देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा फर्क नज़र आता है, लेकिन कैमरे में हमें भी वो सारी चीज़ें नज़र नहीं आती है। नीचे हमने सारे लाइट पॉइंट्स दे दिए, ईजिली आप सारा चीज़ें वही बटन से सारी चीज़ें ऑपरेट कर सकते हैं। जस्ट 2 ड्रावर्स दे दिए, मिडल में रोलिंग शेटर, रोज गोल्ड शेटर्स आ जाएगा, तो जिसके अंदर सारे सेटअप बॉक्स एंड ऑल वो चीज़ें रहेगी। और जैसे मैंने बताया कि स्टेयरकेस लगभग डीप में 3.5 फीट का था, तो हमने यहाँ पे एक हिडन डोर दे दिया, तो बैक साइड पे बहुत सारा स्टोरेज का जगह है। यहाँ पे नॉर्मली एक में बता दूँ, 7 से 8 मेंबर छुप सकते हैं, काफी कंफर्टेबल। और यहाँ पे आप अपने घर का जो भी राशन पानी है, बहुत सारी चीजें रहती है हमारी, जो कि हमें हिडन रखनी रहती है, हाइड करनी रहती है, रेयर हम वो सारी मटेरियल्स को बाहर निकालते हैं, तो वो सारी चीजें आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। और यहाँ पे ये इस तरह से लोअर्स का हिडन डोर रहता है, तो ये पता नहीं चलता कि बैक साइड पे कोई स्टोर रूम भी है। और जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे एक पिलर फेस हो गया था, जिसकी वजह से ये जस्ट एक खटकी थी, और हम विंडो को ब्लॉक नहीं करना चाह रहे थे, तो यहाँ पे जस्ट हमने एक दीवान क्रिएट कर दिया। इसे ऊपर निकालने वाला हमने सिस्टम रखा है, तो इसके ऊपर एक गद्दी आ जाएगी, तो काफी कंफर्टेबली शाम में आप आराम से यहाँ पे बैठ सकते हैं, यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, पोथी वगैरह पढ़ने के लिए हम यहाँ पे बैठ सकते हैं, तो काफी रिलैक्स फील रहेगा, वहां से पूरी बड़ी विंडो है, तो एक कंफर्टेबल था। सेकेंड पॉइंट ये कि यहाँ पे जो पिलर था वो काफ़ी ज़्यादा मिसबैलेंस में था, उसकी प्रॉपर लेयर्स नहीं थी, तो यहाँ पे हमने पूरा पैनलिंग में क्रिएट कर दिया, तो एक सिस्टमैटिक लग रहा है। और ऊपर भी हमने पूरा फ्रेमिंग वर्क कर दिया, और इसके ऊपर जैसे अभी लॉफ्ट आने वाला है, तो हम सिर्फ शटर लगा के इसे हाइड कर देंगे, तो ये भी स्टोरेज का बहुत बड़ा एरिया मिल गया। जो एक्चुअली यहाँ पे मेन लाइट पॉइंट था पूरे लिविंग के एक्सेस करने के लिए, वो इसके ऊपर हमने ले लिया है। मेन डोर का लैमेट हमने चेंज कर दिया, बाहर पर सेफ्टी डोर का भी जस्ट काम चल रहा है, तो वो हमें अभी प्रोसेस चल रही है, तो अभी डिस्टर्ब नहीं करूँगी, बाद में शेयर करूँगी।
जैसे मैंने कहा कि बैक साइड पे जो स्टोरेज था, एक तो वो बड़ा डोर दे दिया है, और जैसे आपको कुछ छोटा सा मटेरियल जो इजीली एक्सेस करना है, तो यहाँ पे हमने एक जस्ट छोटा सा शटर दिया है लगभग 2.5 फीट का, तो यहाँ से आप जस्ट कुछ छोटा मोटा काम है तो वो शटर के लिए आप एक्सेस कर सकते हैं। तो दोनों तरफ से ही आप इस स्टोर रूम को एक्सेस कर सकते हैं। देन उसके बाद आप देख रहे हैं ये पूरा सिटिंग एरिया आ जाता है। सिटिंग एरिया में हमने फुल स्टोरेज वाला सोफा दे दिया है, फुल एक सिंगल टोन के साथ, और हल्की सी व्हाइट कलर की स्ट्रिप मिडल में दे दी, तो लुक कुछ अच्छा आ रहा है। और नीचे सारे ट्रॉली वाले सोफेज है, तो जब फाइनल शूट करेंगे तब ये भी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा डीप में एक्सप्लेन कर पाऊंगी। ये पूरा होममेड में ही पॉसिबल था, क्योंकि ऑब्वियसली वॉल के अंदर बहुत ज़्यादा मिसबैलेंस था, अगर मॉड्यूलर रखते थे तो बहुत ज़्यादा गैप आने वाला था, तो हमने फाइनली इसको फिक्स कर दिया है अपनी जगह पर, तो ये पूरा कवर अप हो गया। देन उसके बाद अगर मैं एक चीज़ और आपको एक्सप्लेन करूँ, तो यहाँ पे हमने दो पार्ट में इसको जॉइनिंग दी है। जैसे कि मैंने कहा वॉल का ब्रेक होने की वजह से हमने लगभग इसकी 2.5 इंच की डिप दे दी, बैक साइड का जो पैनलिंग है लगभग 2.5 इंच का इसका फिक्स कर दिया है। थर्ड पॉइंट ये है कि यहाँ पर दो जॉइंट, दो कंपार्टमेंट में ये कनेक्टेड हुआ है, तो ये सिटिंग एरिया अलग है, देन यहाँ पे ये सिटिंग एरिया है, तो ये पूरा एल शेप में एक कवर अप हो गया। नीचे ड्रावर्स दे दिए, तो बहुत सारा कुछ आप स्टोर कर सकते हैं उस हिसाब से। उसके बाद इसके ऊपर गद्दी आ जाएगी, पिलोज आ जाएगा, तो लुक अलग हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ये ऊपर जाने का एरिया, और ये है हमारा किचन का एंट्रेंस। किचन के एंट्रेंस में आप बस यहाँ रुक जाइए और पहले 3D देख लीजिए। तो 3D में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही है, कहाँ पे क्या क्या प्लान किया है हमने। तो राइट आओ, ये अभी आप लाइव देख लीजिए। यहाँ पे हमारा नॉर्मल वॉश बेसिन डेली यूज होने वाला, क्योंकि इस साइड पे कॉमन वॉशरूम है, तो यहाँ पे हमारा ये आ गया। और देन उसके बाद यहाँ पर हमने पूरा सीलिंग टच स्टोरेज यूनिट लिया है, जैसे आपने 3D में देख लिया है। तो उसके बाद अब यहाँ पे फ्यूचर के हिसाब से यहाँ पर डाइनिंग टेबल का प्लान है, तो वो ये सेटअप पूरा कवर अप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा एल शेप का किचन आ गया है। कस्टमाइज अकॉर्डिंग हमारा पूरा नेसेसरी था कि हम पहले क्लाइंट से कंसल्ट करेंगे कितना फैमिली मेम्बर है, कितना स्टोरेज है, देन उस हिसाब से हमने ट्रॉली डिसाइड किया, उस हिसाब से हमने ऑर्गेनाइज कर दिया। यहाँ पे हमारा ऑलमोस्ट फेवरेट वाला ये हल्का सा ग्रे कलर का लैमिनेट है, इसके अंदर हल्के हल्के स्पार्कल्स है, और हाई ग्लॉस है, और स्क्रैच प्रूफ है, तो ये हमारे सारे स्पेशल लैमिनेट वालों में से एक है। और इसके ऊपर हमने ऐसे स्टॉपेज का फिनिशिंग दे दिया है। और डार्क शेड लेने से सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या हो जाता है कि आप चाहे किचन में कितने भी डर्टी हाथ होते हैं, ऑब्वियसली हमारे बहुत ज़्यादा कुकिंग करते हो, थाक गद्दे होते हैं, जितना भी इस पर हाथ लगाओगे ये ज़्यादा गंदा नहीं होता और नज़र नहीं आता जल्दी, ठीक है। डार्क कलर है ना, इस पर हाथ जल्दी छपते हैं तो नज़र नहीं आते, तो आपका क्लीनिंग का पर्पज़ क्लियर हो जाता है, और ज़्यादा बार 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 क्लीन करने का पर्पज़ भी कट आउट हो जाता है। तो सिंक एरिया तो जस्ट शटर दिए है। उसके बाद आप सारी ट्रॉली सेक्शन देख रहे हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी ट्रॉलीज दी है हमने। और हमने क्या किया है कि जस्ट एक बड़े मटेरियल के हिसाब से हमने एक्स्ट्रा रॉड इसको ऊपर हाइट पे दे दी, ताकि अगर आप छोटी छोटी बॉटल्स वगैरह भी इसमें रखना चाहो तो रख सकते हैं, ताकि ये ट्रॉली में से मिसबैलेंस होकर गिरेगा नहीं। और बास्केट को हमने पूरे 6 सपोर्ट्स दे दिया, और वो भी यू बैंडिंग के साथ। इससे क्या होता है, बास्केट की वेट कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। अब जितना भी हैवी मटेरियल होगा, अगर इसकी कैपेसिटी के अलावा भी आप इसमें ज़्यादा वेट रख देते हो, तो आप कुछ टाइम के लिए इसे बचा सकते हो। और सारी ही बास्केट्स 1 रॉड बैंडिंग के साथ है। 1 रॉड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सेम प्लेन दिए, क्योंकि हमारा मटेरियल काफ़ी ज़्यादा स्टोर में है, सेम प्लेन। और यहाँ पे एक पुल आउट ऑर्गेनाइज कर दिया। पुल आउट हमने 3 स्टेप में कन्वर्ट कर दिया है, जो हमारी छोटी छोटी मसाले की बनियाँ रहेगी वो हम इजीली इसमें रख कर, क्योंकि कुकिंग एरिया यहाँ पे हम कैबिनेट नहीं ले रहे हैं, तो इसमें से हम इजीली अपने मसाले की चीज़ों का एक्सेस कर पाएंगे। तो ये हमारा पुल आउट। वहाँ कॉर्नर में भी बास्केट है, जस्ट ड्रम रखा है तो हम ओपन नहीं कर पाऊंगी। कटलरी सेक्शन को हमने यहाँ पर डाल दिया है। कटलरी सेक्शन आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से, सारी बास्केट्स इजीली आप निकाल के, रिमूव करके, वॉश करके, क्लीन करके, ड्राई करके रिटर्न अंदर रख सकते हैं, इससे बास्केट की लाइफ काफ़ी ज़्यादा अच्छी रहती है। आप अगर चाहते हैं तो वायर बास्केट में आप मैट भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो, अदरवाइज मैं तो चाहूँगी कि रखनी ही चाहिए, बहुत अच्छा रहता है। कि बाय टू फोल्ड अगर एक ट्रॉली का बर्तन ख़राब हो गया है तो आप इजीली मैट निकाल के वॉश करके रख सकते हैं। बट क्या हो जाता है, मैट ना होने की वजह से सब मटेरियल अगर उसके अंदर गिर जाता है, तो उसके साथ साथ नीचे की सारी 3-3 बास्केट्स आपको क्लीन करनी पड़ेगी। तो ये इस तरह से है। तो ये सब कुछ इस तरह की चीज़ें, वहाँ पे जो सिंक एरिया था उसके नीचे जस्ट हमने हाइड कर दिया, तो जो भी आपका डिटर्जेंट का मटेरियल रहेगा आप वहाँ पे भी स्टोर कर सकते हैं, या फिर आपके डस्टबिन से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड जो डस्टबिन रहेगा वो डस्टबिन भी आप उसके नीचे स्टोर कर सकते हैं, अगर आप सिंक के नीचे कंफर्टेबल नहीं है तो। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम चले गए सेकंड फ्लोर पर, जहाँ पर मैं आपको बेडरूम की टूर करवा।
जैसे हम ऊपर आते हैं तो ये हमारा पैसेज एरिया है। पैसेज एरिया पे यहाँ पे जैसे कहाँ के कंस्ट्रक्शन अगर आपके हाथ पे है तो इस तरह का उन्होंने यहाँ पे कड़प्पा डलवा दिया जस्ट सिटिंग एरिया के लिए, और इसके नीचे से हम शटर लगा के हाइड करने वाले हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया था। आप चाहे तो फ्यूचर में इसके ऊपर जस्ट मैट्रेस ले सकते हैं बैठने के लिए कम्फर्टेबल, तो उस हिसाब से आप कर सकते हैं। ये पूरा पैसेज एरिया, इसके ऊपर एक थर्ड फ्लोर भी है जहाँ पे हमने मंदिर घर प्लान किया है। अब इस पैसेज से देखते हैं, यहाँ पे हम फोल्डिंग डाइनिंग लेने वाले हैं जस्ट फ्यूचर के अकॉर्डिंग, उसका सम रीजन है लेने का तो यहाँ पे आने वाला है। देन उसके बाद यहाँ पे दो बेडरूम है और ये हमारा मास्टर बेडरूम। तो पहले चलते हैं मास्टर बेडरूम में। मास्टर बेडरूम को अगर आप देखोगे तो थोड़ा कंस्ट्रक्शन में चेंजेस है लाइक दिस। यहाँ पे हमारा पूरा ओपन बालकनी एरिया है, तो काफी अच्छी प्लेस है। बेडरूम काफी ज्यादा बड़ा है, लगभग 15x15 का ये बेडरूम है। यहाँ पे हमारा बेड एरिया, उसके साइड में साइड टेबल आ जाएगा। साइड टेबल वहाँ पे बन के रेडी है, जस्ट मटेरियल की वजह से थोड़ा सा इधर उधर है। उसके बाद यहाँ पे एक जस्ट विंडो टाइप का है जो उन्होंने क्रिएट किया था, तो इसके अंदर हम जस्ट ग्लास के शेल्फ लगाने वाले हैं और कुछ आर्टिफैक्ट्स, कुछ स्पॉट वगैरह उसके अंदर लगाएंगे तो वो ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से होगा। तो मैं आपको बेड बता देती हूँ, ये अभी एक बेडरूम का मटेरियल है जो अभी भी फिटिंग बाकी है, बट मैंने सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहा था कि आप भी थोड़े से बेसिक आइडियाज तो भी आ जाएंगे। ये भी अभी तक कंस्ट्रक्शन के मतलब सॉरी ये भी अभी तक वर्किंग में चल रहा है। यहाँ पे हमने कुछ ड्रावर्स वगैरह दिया जो कि लॉक के साथ है, लॉकर्स टाइप है, तो वो भी लग जाएगा, असेंबल हो जाएगा, तो मैं वो भी शेयर करूँगी। ये सेम डिज़ाइन, सेम लैमिनेट, सेम सेटअप पूरा इसी पे हमारे डेमो में लगा हुआ है, तो क्लाइंट को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, तो इसलिए एग्जैक्ट वही के वही आ गया। साइड टेबल आप देख रहे हैं वैक्चुअल में उस जगह का है, पंप लग चुका है लेकिन इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मटेरियल तो मैं एक्सेस करके नहीं बता पाऊंगी। अब हम चलते हैं मास्टर बेडरूम टू में। हर बेडरूम्स में वॉशरूम अटैच कर दिया गया है क्योंकि कंस्ट्रक्शन क्लाइंट के अंडर था। चलिए हम लाइट ऑन कर देते हैं। उसके बाद जैसे ही हम यहाँ पर आ जाते हैं तो ये एक्चुअल में घर के जो दादा दादी है उनका बेडरूम है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि कलर बहुत ज़्यादा हल्का सा येलो शेड है इस लैमिनेट का, लेकिन SF फिनिश है, मतलब सॉफ्ट मैट का फिनिशिंग है। लुक वाइज बहुत अच्छा है, मुझे आते ही बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगा, और स्पेशली हमारे दादा दादी का छोटा सा टीवी ने डिज़ाइन हुआ है यहाँ पर। तो ये अगर आप चाहो तो बच्चों को अगर स्टडी वगैरह करना है तब भी इस बेडरूम में आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन दादा दादी का सेपरेट पूरा रूम क्रिएट किया गया है, टीवी यूनिट क्रिएट किया गया है बेडरूम में। नीचे जस्ट 2 ड्रावर दे दिए हैं इस तरह से, और वहाँ पे भी ड्रावर है और मिडल में जस्ट ओपन है। अभी हम लोग सोच रहे हैं कि इसे ओपन, क्योंकि हम लोगों ने ऑब्वियसली 3D में ओपन ही इसका डिसाइड किया था, बट अब हम सोच रहे हैं कि इसको हम एक हल्का सा रोज गोल्ड शटर दे देंगे ताकि सेटअप बॉक्स वगैरह पे ज़्यादा डस्ट ना बैठे। दोनों कॉर्नर हमने राउंड कर दिए जस्ट कम्फर्टेबल एंड सेफ के लिए। यहाँ पर टीवी नेट आ जाएगा, लाइट पॉइंट्स, और यहाँ पर इजिली एक्सेस, स्पॉट लाइट भी दे दी जस्ट लुक वाइज के लिए। और जैसे कि मैंने कहा पूरा फर्नीचर 50-50 के हिसाब से है, तो ये हमारा मॉड्यूलर वाला सेक्शन है, तो बैक साइड पे काफ़ी ज़्यादा गैप है, तो ये अपने हिसाब से बैक साइड में सरक जाएगा। वहाँ पे कॉर्नर में पॉइंट्स आ जाएंगे जहाँ से ऑलरेडी 2 एक्सेस के लिए हमने रखा था कि वहाँ पे से भी अगर रात को आप वहाँ से भी फैन एंड लाइट्स को एक्सेस कर सकते और मेन डोर के पास से भी। तो ये हो गया, इसका काम अभी भी पेंडिंग है। ये हमारा पैरासा वार्डरोब, वार्डरोब में आप देख रहे हैं पूरा ड्रेसिंग एरिया है, बैक साइड पूरा स्टोरेज है, लगभग 13 इंच का इसका एरिया डीप है। ऊपर साइड से लाइट हमने दे दी है, मॉड्यूलर में भी पॉसिबल है, पूरा सेटअप मॉड्यूलर का है। नीचे 2 ड्रावर्स दे दिए हैं, ये पैसेज एरिया है जस्ट हेड ड्रायर वगैरह सारे सामान रखने के लिए। ये हमारा वार्डरोब का इनसाइड व्यू, इसका भी काम जस्ट रनिंग में चल रहा है। सारे शेल्फ्स मूवेबल है, आप अपने हिसाब से इसे ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ पे भी लॉकर्स है, सॉफ्ट क्लोज शटर्स, और इधर ऊपर स्ट्रेट ऑलरेडी बिल्डर की तरफ से लॉक था तो हमने जैसे इसको शट लगा के हाइड कर दिया। अब हम चलते हैं बेडरूम 2 में। जैसे बेडरूम 2 में आते हैं तो मैंने बताया मास्टर रूम में ऑलरेडी बहुत सारा सामान रखा है, जो कि यहाँ की बाकी की फिटिंग्स बाकी है, वार्डरोब, बेड एंड साइड टेबल, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टडी टेबल क्रिएट कर लिया। स्टडी टेबल हमने पूरा होममेड में क्रिएट किया क्योंकि वॉल काफ़ी ज़्यादा ब्रेक थी, तो उस वजह से यहाँ पर लाइट पॉइंट क्रिएट कर दिया गया है, बाकी के प्रोसीजर बाकी है। नीचे एक सिंगल ट्रे कीबोर्ड्स एंड माउस के लिए, सिंगल ड्रावर, डोर, और यहाँ पर ओपन निजेस जो बार बार आपकी बुक यूज़ होती है या मटेरियल से वो, और ऊपर जस्ट इस तरह के डोर्स जो आपके बैग्स एंड बाकी सारी बुक्स है वो आप स्टोर कर सकते हैं। ऊपर बिल्डर की तरफ से ऑलरेडी लॉक था, उस पर जस्ट शट लगा के हम हाइड कर देंगे। तो फाइनली ये पूरी इस घर का टूर है, अब मंदिर देखेंगे।
तो ये है हमारा थर्ड फ्लोर। थर्ड फ्लोर से देखा जाए तो एक्चुअली डायरेक्टली हमारा बाहर टेरेस आता है, तो टेरेस के हिसाब से यहाँ पे हमने बहुत प्यारा सा मंदिर ऑर्गेनाइज कर दिया है। मंदिर के बैक साइड पे हमने ओम का डिज़ाइन ले लिया और यहाँ पे जस्ट नॉर्मल से डिज़ाइन ले ली है। ऊपर मेहराब लगा दिया शुभ लाभ का, उसके डोर्स है, डोर्स अभी फिटिंग बाकी है। ये हमने जो सिर्फ सीढ़ी क्रिएट की है, ये मूवेबल है, आप चाहो तो इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। नीचे एक ट्रे दे दिया दिया एंड ऑल रंगोली के लिए। उसके बाद दो ड्रावर्स आ जाते हैं स्टोरेज के लिए ऑब्वियसली, और इसको भी लाइट पॉइंट वगैरह सब दिया गया है, तो इजीली हम वहाँ से सारे कनेक्शंस निकाल रहे हैं लाइटिंग के लिए, तो वो भी बहुत चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। तो फाइनली ये हमारा पूरा 3 BHK का टूर था। इसके बाद हम डायरेक्टली फाइनल शूट करेंगे, जब क्लाइंट यहाँ पर रहने के लिए आ जाएंगे, पूरा घर को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज हो जाएगा, तब मैं एक्चुअल में इसकी प्राइस कॉस्ट इसका टाइम ड्यूरेशन वो भी बताऊंगी। अभी लगभग प्रोजेक्ट स्टार्ट होकर 15 दिन हो चुके हैं, क्योंकि होममेड प्रोसीजर के साथ भी लगभग बहुत सारी चीज़ें थी जिसके मैंने बताया वॉल के वजह से, तो ये सारी चीज़ों के हिसाब से टूर था। फाइनली अगर आप मॉड्यूलर लीजिए या होममेड लीजिए, दोनों ही प्रोसीजर में आपको लाइफ टाइम वारंटी दिया जाता है, टाइम ड्यूरेशन भी आपके हिसाब से सेट कर दिया जाता है, उतने जल्दी आपको डिलीवर कर दिया जाता है। आप नासिक से जितने भी 300 सराउंडिंग किलोमीटर एरियाज में आते हैं वहाँ पे भी हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। तो आप अगर अपने घर के किचन का कोड जानना चाह रहे हैं या जस्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं या फिर एक्चुअल में आप करना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली अपने घर के डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो आई होप ये नया साल आप लोगों के लिए कुछ नया स्पेशल हो, आप अपने नए घर में जल्दी से शिफ्ट हो जाइए। और अगर इंटीरियर का प्लान कर रहे हैं, आप पूरे घर को फुल फर्निश का प्लान कर रहे हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप डायरेक्टली डिस्कस कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना चाहे उतना शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।